क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। नए साल का आगाज हो चुका है। नए साल में टीम इंडिया की पहली सीरीज का भी आगाज हो रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है और पहला मैच 3 जनवरी को मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेला जाएगा। अब ये सीरीज बेहद खास है इसलिए क्योंकि यहाँ से भारतीय क्रिकेट भारतीय टीम नए दौर में जा रही है। पुराने सारे सीनियर्स टीम से बाहर हैं और हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में नई टीम तैयार है, युवा खिलाड़ी तैयार हैं और इसीलिए टीम में ऊपर से नीचे तक कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं और नेट्स पर इसकी तस्वीर भी दिख गई है। नेट्स पर दिखी तस्वीर के मुताबिक कौन कौन पहला T20 मैच लंका के खिलाफ खेलने वाला है वो हम आपको बताते हैं क्योंकि टीम फाइनल है, बस टॉस के वक्त इसका ऐलान होना बाकी है। तो आप भी इस टीम को लेकर हार्दिक पांड्या के फैसलों को लेकर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो वानखेड़े के मैदान में लंबे समय बाद T20 मैच खेला जाएगा और वानखेड़े में रनों की बरसात होती रही है। तो इस बीच भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच मुंबई के मैदान में खेला जाना है, उसके लिए टीम तैयार है जो कि हार्दिक पांड्या की फ्यूचर की टीम कही जा रही है। तो सीधे सीधे टीम पर आते हैं, सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करते हैं। तो ओपनिंग में कई जोड़ियों को आजमाने के बाद यहां पर बिल्कुल नई और फ्रेश जोड़ी मैदान में उतरेगी और वो है बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन यहां पर बतौर ओपनर खेलेंगे। तो उनका साथ देंगे दाहिने हाथ के तूफानी बल्लेबाज शुभमन गिल। दोनों के आने से तूफानी शुरुआत तो मिलेगी, साथ ही साथ लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। तीसरे नंबर पर कोई शक या शिकवा नहीं है, सूर्य कुमार यादव टीम में है, तीसरे नंबर पर आकर खेलेंगे और पहली बार सूर्या को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया, लिहाजा सूर्या के पास बढ़ी हुई जिम्मेदारी होगी। चौथे नंबर पर हार्दिक पांड्या आएंगे। जी हां, भले ही रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली की कप्तानी में हार्दिक पांचवे छठे या फिर सातवें नंबर पर भी बैटिंग करते रहे हैं लेकिन खुद हार्दिक पांड्या ऊपरी क्रम पर हमेशा ही खेलना चाहते हैं और खुद कप्तान है तो वो खुद को प्रमोट करके चौथे नंबर पर आकर बल्लेबाजी करेंगे। पांचवें नंबर पर खेलने आएंगे संजू सैमसन। जी हां, संजू सैमसन यहां बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल है। मिडिल ऑर्डर में संजू आकर बल्लेबाजी करेंगे और पांचवें नंबर पर एक तरह से फिनिशर की भूमिका में होंगे। छठे नंबर की बात करें तो यहां पर कई सारे दावेदार हैं, दीपक हुडा हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, लेकिन हां बतौर ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को यहां पर टीम में जगह मिल रही है। सुंदर का पलड़ा भारी हो गया है, जिन्होंने पिछली सीरीज में कमाल की बॉलिंग के साथ साथ शानदार बैटिंग भी की थी, लिहाजा सुंदर को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। छठे नंबर पर आकर बल्लेबाजी करेंगे, साथ ही साथ स्पिन डिपार्टमेंट को भी संभालेंगे। सातवें नंबर पर अक्षर पटेल आएंगे जो कि टीम के एक और ऑलराउंडर होंगे और बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी का भी उन पर दारोमदार होगा। अब इसके बाद एक और स्पिनर खिलाया जाएगा और वो होंगे युजवेंद्र चहल। जी हाँ, तीन तीन स्पिनर यहाँ पर खिलाए जाने फाइनल हो गए हैं जिसमें अक्षर और सुंदर ऑलराउंडर हैं तो चहल फुल टाइम बॉलर हैं। अब तेज गेंदबाजों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी खासी जबरदस्त लाइनअप नजर आ रही है। उमरान मलिक टीम के साथ मौजूद है, वो खेलेंगे और नई गेंद से बॉलिंग करने का उनको यहाँ पर मौका मिलेगा और उनका साथ देंगे अर्शदीप सिंह। जी हाँ, बाएं हाथ के अर्शदीप शानदार रिदम में है और अर्शदीप यहाँ पर नई गेंद से स्विंग कराते हुए नजर आएंगे। तीसरे पेसर्स के लिए यहाँ पर कई सारे विकल्प थे, कई ऑप्शन थे जिसमें शिवम मावी हैं, मुकेश चौधरी हैं, इन्हें पहली बार टीम इंडिया में मौका मिला है लेकिन हाँ मैच खेलने का मौका मिलेगा हर्षल पटेल को। जी हाँ, लंबे समय बाद हर्षल टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं और यहाँ पर हर्षल को मैच खेलने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या को मिला लें तो चार तेज गेंदबाज टीम के साथ हैं, तो वहीं तीन स्पिनर्स भी टीम में बने हुए हैं, यानी कि पूरे पूरे सात गेंदबाजी विकल्प हैं जो कि शानदार है और हार्दिक पांड्या फ्यूचर के लिहाज से बेहतरीन टीम तैयार कर रहे हैं और उसी के हिसाब से उन्होंने बता दिया है कि वो गेंदबाजी के विकल्प ज्यादा लेकर चलने वाले हैं। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है, कितनी परफेक्ट है ये टीम और क्या ये टीम श्रीलंका को हरा पाएगी, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो ऋषभ पंत के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, गाड़ी की हालत कोई देखे तो यही कहेगा कि इसमें सवार इंसान नहीं बचेगा, लेकिन पंत न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि उनकी हालत भी बेहतर हो रही है और लगातार जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद भी है। अब ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ, पुलिस को दिए स्टेटमेंट में, पुलिस को दिए बयान में ऋषभ ने खुद बताया और उसके बाद की कहानी वहां पहुंचे बस ड्राइवर और उस एम्बुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट ने बताई है जिन्होंने ऋषभ का पहला इलाज किया था और वो पूरी कहानी आपको सीन बाय सीन बताते हैं। ऋषभ पंत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया जिसमें ऋषभ ने बताया कि वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और इसीलिए बिना किसी को बताए दिल्ली से रुड़की के लिए निकल गए। सुबह करीब 5 बजे के आसपास रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हल्की सी झपकी पंत को आ गई। ऋषभ पंत ने बताया कि अचानक उन्होंने देखा कि उनकी कार जोर से टकराई और उस टकराहट के साथ जो आवाज आई उससे ऋषभ के भी कान खड़े हो गए क्योंकि ऋषभ को झपकी आई थी और कार यहां पर कई मीटर
चार्जर हवा में उछल गई। जी हां, ऋषभ पंत ने खुद बताया कि उनकी कार हवा में उड़ रही थी। कई मीटर हवा में उड़ने के बाद कार सीधे जाकर डिवाइडर पर मौजूद बिजली के पोल से टकराई, वहीं पर लैंड हुई। अब ऋषभ पंत के मुताबिक इस दौरान कार के एयरबैग खुल चुके थे। कार के अंदर चारों तरफ से गुब्बारे फूल गए थे जो कि ऋषभ पंत को प्रोटेक्ट करने लगे थे, बचाने लगे थे। लेकिन इस दौरान कार की रफ्तार ज्यादा थी तो कार लगातार आगे बढ़ते जा रही थी। पंत के मुताबिक वहां पर बिजली के कई पोल थे और उन कई पोल से कार टकराई और डिवाइडर के बीच में लोहे के एंगल भी लगे थे और उन एंगल से भी गाड़ी टकराती जा रही थी। अब वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक करीब बिजली के 5 पोल वहां पर टूटे हुए थे, यानी कि ऋषभ पंत की गाड़ी ने बिजली के 5 पोल तोड़ डाले थे और उसके बाद जाकर कार रोड की दूसरी तरफ सड़क पर पहुंच गई और गिर गई। अब ऋषभ पंत के मुताबिक उन्हें सब कुछ दिख रहा था क्योंकि वो कार के अंदर थे, महसूस कर रहे थे कि बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है, गलत हो चुका है। लेकिन कुछ करने की कंडीशन में ऋषभ पंत नहीं थे क्योंकि जो होना था वो तो हो गया था। अब इंतजार ऋषभ पंत को इस बात का था कि कार कहां जाकर रुकती है। ऋषभ पंत के मुताबिक इस दौरान कार कई पलटियां खा रही थी। करीब 15 से 20 पलटियां खाने के बाद कार रुक गई और सामने से एक बस वाले ने भी ब्रेक लगा दिया। ऋषभ पंत के मुताबिक वो कार की विंडशील्ड यानी कि सामने वाला शीशा तोड़कर बाहर निकले, लेकिन इस दौरान उन्हें काफी सारी चोटें आ गई थी और वो उतनी सारी पलटियां खाने के बाद, उतनी बार इधर से उधर होने के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी। वो बाहर आकर कार के बगल में ही थे। अब ऋषभ ने बताया कि इसके बाद उनकी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां पर वो उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन तभी वहां एक शख्स आया और ऋषभ को नहीं पता था कि वो बस ड्राइवर ही था, तो हरियाणा रोडवेज के उस बस ड्राइवर ने पंत को कार से दूर किया क्योंकि कार में वहां पर चिंगारियां निकल रही थी। अब यहां पर समझिए, उस बस ड्राइवर के मुताबिक जैसे ही ऋषभ पंत को कार से दूर किया गया, उसके 5 से 7 मिनट के अंदर कार में भीषण आग लग गई। जी हाँ, और ऋषभ पंत के सामने ही, जी हाँ, ऋषभ पंत खड़े थे, पंत के ही सामने वो कार जलकर खाक हो गई। ऋषभ पंत अपने पैरों पर खड़े थे और उस कार से निकले हुए थे जो कार ऋषभ के सामने जल रही थी। इसके बाद पंत ने कहा कि मैं ऋषभ पंत हूँ। हालांकि वो बस ड्राइवर पंत को पहचान नहीं पाया, लेकिन हाँ, फिर भी ऋषभ पंत को उस बस ड्राइवर ने ही एक चादर दी क्योंकि पंत के कपड़े भी जल चुके थे। आगे देखिए, इसके तुरंत बाद उसी बस ड्राइवर ने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस भी आ गई और उसके बाद क्या हुआ वो कहानी एम्बुलेंस में मौजूद फार्मासिस्ट ने बताई। 108 नंबर एम्बुलेंस वहां पहुंची तो पंत ने उस फार्मासिस्ट को भी बताया कि मैं भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हूं। अब वो फार्मासिस्ट पंत को पहचान गया क्योंकि वो क्रिकेट देखता था, क्रिकेट का शौकीन था। अब फार्मासिस्ट के मुताबिक पंत ने कहा कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पहले मुझे कोई पेन किलर का इंजेक्शन लगा दो फिर कहीं ले चलो। फार्मासिस्ट ने एक पेन किलर का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद ऋषभ पंत ने कहा भाई मुझे किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में लेकर चलो जहां अच्छा इलाज हो सके। अब फार्मासिस्ट ने बताया कि वो पंत को लेकर रुड़की के सक्षम अस्पताल पहुंच गए। अब वो अस्पताल घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर था, लेकिन आसपास में सबसे अच्छा अस्पताल वहीं था, वहीं पर सारी सुविधाएं भी मौजूद थी, तो इसीलिए वो फार्मासिस्ट पंत को लेकर सक्षम अस्पताल पहुंचा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।